बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां पर लापरवाह इंस्पेक्टरों पर पुलिस कमिश्नर की गाज गिर गई है। तो चिनहट, गोमती नगर और जानकीपुरम थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं, जहां अमित दुबे, सचिन सिंह और साथी मोहम्मद अशरफ लाइन हाजिर किए गए। तो 10 इंस्पेक्टरों के तबादले भी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत पांडे ने ये लिस्ट जारी की है, जहां गोमती नगर विस्तार की कमान इंस्पेक्टर रामसूरत सोनकर को मिली है, तो संतोष कुमार सिंह बने हैं SHO हजरतगंज। वहीं प्रमोद कुमार सिंह SHO बने हैं गोमती नगर विभूति खंड के। SHO श्याम बाबू शुक्ल बनाए गए हैं। वहीं आलमबाग से ट्रांसफर होकर सरोजी नगर के SHO बने हैं आनंद कुमार शाही। बड़ी खबर आपको बता दें, गाज यहां पर कमिश्नर की गिरी है और इसके बाद ये तबादले फिलहाल, जहां पर इस क्रम में राजीव द्विवेदी का नाम भी शामिल है और आलमबाग का थाना प्रभारी उनको बनाया गया है। महेश त्रिपाठी को क्राइम ब्रांच से हटाकर चुनहट का थाना प्रभारी बनाया गया है और धीरेन्द्र उपाध्याय को कृष्णा नगर का SHO बनाया गया। इसके साथ ही वीरेंद्र प्रताप कुशवाहा को हजरतगंज से गोसाईगंज थाना भेजा गया। तेज प्रताप सिंह को लाइन से बने जानकीपुरम थाना प्रभारी भेजा गया है। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। अरुण, ये कई तबादले यहां पर किए गए हैं और कहा जा रहा है कि लगातार शिकायत और उसके बाद ये कार्रवाई इन इंस्पेक्टरों पर, जिसके बाद 10 इंस्पेक्टर जिनके तबादले किए गए। जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस हिसाब से पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुनील कुमार पांडे ने बनते ही कई लोगों पर लाइन हाजिर किया था, कई इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए थे कि जिस तरह से कोतवाल अगर लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध अगर जिस तरह से लापरवाही बरती जाएगी। देर रात जो कल 13 इंस्पेक्टरों के तबादले किए, जिनसे 3 लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें से अगर चिनहट, गोमती नगर और जानकीपुरम की इसलिए लाइन हाजिर किया गया कि यहाँ पर शिकायतें ज्यादा आ रही थी, क्राइम के कंट्रोल नहीं लगा पा रहे थे, इस वजह से लाइन हाजिर किया गया। सुधार की अगर बात की जाए तो कई थाना प्रभारियों का क्षेत्र चेंज कर दिया गया है, वहां शिकायतें आ रही थी, इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं से पुलिस कमिश्नर अब शक्ति दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से लखनऊ में हत्या और मर्डर लूट हो रहा है, जिस पर पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही, लगातार निर्देश देने के बाद भी कोतवाल नहीं सुधर रहे हैं, इस वजह से एक्शन में दिखे हैं पुलिस कमिश्नर। उन्होंने अभी जताया है कि अगर जल्द से जल्द क्राइम पे कंट्रोल नहीं लगाया जाता है, लगाते हैं अग्रिम अधिकारी, तो उनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई भी कोताही बरती गई तो ऐसे जो लिस्ट है, ऐसी जो सूची है, एक बार फिर से निकल सकती है, सीधे यहां पर चेतावनी इंस्पेक्टरों को दे दी गई है। देखिए, सीधे चेतावनी दी गई है कि अभी तो और लिस्ट बाकी है जिन पर पुलिस कमिश्नर जो है निगरानी कर रहे हैं कि कौन से कोतवाल लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन और भी कोतवालों पर नजर रखी गई है जो झूठी रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं, झूठी खुलासे कर रहे हैं, उनकी भी रिपोर्ट यहाँ तक भेजा गया है पुलिस कमिश्नर को। उन्होंने भी कहा है कि ऐसे कोतवालों के ऊपर, ऐसे लापरवाह के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए।